सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के इन दिनों सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। यूपी में जब से सीएम योगी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी है, तभी से आजम खान की मुसीबतें ढलने का नाम ही नहीं ले रही है। एक बार फिर आजम खान को बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। आयकर विभाग ने पूर्व मंत्री आजम खान के ठिकानों पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि यह छापेमारी जौहर ट्रस्ट को लेकर हुई है। आयकर विभाग ने रामपुर के साथ साथ सहारनपुर और गाजियाबाद में भी बड़ी छापेमारी की है। आयकर विभाग को रेड में क्या मिला क्या नहीं, यह जानकारी अभी सामने नहीं आई है। रेड के समय सपा नेता आजम खान अपने रामपुर आवास पर मौजूद थे। आजम खान पर जौहर ट्रस्ट से संबंधित जमीन कब्जा करने के मुकदमे अभी भी अदालत में चल रहे हैं। वे इस मामले में जेल भी जा चुके हैं, जो कुछ समय पहले ही जमानत पर आए हैं। वहीं अब छापेमारी को लेकर सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है, जिसमें आजम खान के यहां छापों पर सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा, ऐसा लगता है कि दिल्ली में बैठे लोग हताशा में ये कदम उठा रहे हैं। वहीं भोपाल में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ईडी का डर दिखा रही है। तो देखिए, जिस तरह से आईटी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, उस पर अब सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ एक्शन में आयकर विभाग नजर आ रहा है, तमाम जगह छापेमारी की बड़ी कार्रवाई की जा रही है। वहीं आजम खान के ठिकानों पर आईटी की छापेमारी देखने को मिल रही है। अल जौहर ट्रस्ट राडार पर नजर आ रहा है, तमाम बड़ी कार्रवाई की जा रही है। सपा नेता आजम खान के घर पर छापेमारी हो रही है। आजम खान के करीबियों के ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। आयकर विभाग के करीब 6 घंटों से लगातार छापेमारी की बड़ी कार्रवाई जारी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नज्म मंसूरी हमसे जुड़ चुके हैं। नज्म, देखिए, आयकर विभाग लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है, लगातार छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है, अभी क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? मैं अपना कैमरामैन को बोलूंगा कि वो दिखाए कि किस तरह इनकम टैक्स की गाड़ी अभी भी खड़ी है मौके पर। तीन तीन टीम यहाँ पर मौके पर खड़ी है। और मैं आपको बता दूं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि मेरे पीछे जो है ये सीए है, जो परसिद्ध सीए है यहाँ के, सीए केजी अग्रवाल, जो की यहाँ कुछ दिन पहले यहाँ से चले गए थे। अब इनकी जगह जो कंपनी देख रही है वो दीपक गुप्ता, पी गोयल नाम से इनकी कंपनी है, दीपक गुप्ता सी है जो यहाँ पे देख रहे हैं। अभी भी इनकम टैक्स की रेड जारी है और जितने भी इनकम टैक्स अधिकारी ऑफिस के अंदर अभी भी अंदर है। नज्म, अभी क्या कुछ आयकर विभाग के छापेमारी में मिला है या क्या नहीं मिला, क्या इसकी कोई जानकारी है? इनकम टैक्स के अधिकारी से संपर्क करना चाह रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी पत्रकारों से, मीडिया से बात करने के लिए तैयार नहीं है। ऑफिस को अंदर से सील किया हुआ है, ऑफिस को अंदर से बंद किया हुआ है, कोई भी जानकारी देने को तैयार नहीं है। मयूरी, नज्म, कहा जा रहा है कि सपा नेता आजम खान के करीबियों पर भी छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है, तो ये कहाँ कहाँ अभी छापेमारी हो रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो आजम खान के करीबी है, जैसे सीतापुर के अंदर है, लखनऊ के अंदर है, और आपको बता दूं रामपुर के अंदर है, संभल के अंदर है, वहां पे आजम खान के करीबियों के ऊपर भी छापे लग रहे हैं। लेकिन सहारनपुर के अंदर जो है ये सीए है और सबसे प्रसिद्ध सीए है, जो आजम खान की सर जोर यूनिवर्सिटी को देखते हैं, जिनके यहाँ छापे की लगातार कार्रवाई जारी है। और जितने भी इनकम टैक्स के अंदर आ रही है वो दफ्तर के अंदर अभी भी मौजूद है, लेकिन ना तो बाहर आ रहे हैं, ना निकल रहे हैं, ना किसी को अंदर जाने दे रहे, ना कोई जानकारी दे रहे, और मीडिया से दूरी बनाए हुए रखे हैं। नज्म, देखिए, अब आईटी विभाग की जिस तरह से छापेमारी हो रही है, उस पर सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है, जिस पर अखिलेश यादव ने भी अब ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला है। देखिए, मैं आपको बता दूं, 2024 का चुनाव नजदीक है और जाहिर सी बात है, इससे सियासत होनी जरूरी है। अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है वो भी ठीक किया है, क्योंकि राजनीति गर्मानी शुरू हो गई है। अब जैसे जयंत चौधरी है, लोकदल है, बीएसपी, ये लोग भी ट्वीट करेंगे और राजनीति को गर्माने का, यानी कि आग में घी का काम, यानी घी में आग डालने का काम करेंगे। जरूर आपको बता दूं कि राजनीति सहारनपुर में भी गर्मानी शुरू हो गई है। नज्म, अभी आप सहारनपुर में मौजूद हैं, आपके पीछे तस्वीरें जिस तरह दिखाई दे रही हैं, तस्वीर दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह से छापेमारी की कार्रवाई हो रही है, क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है? देखिए, मेरे पीछे ऑफिस
है, मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा मेरे पीछे ये ऑफिस है, सीए का पी ग्रोल नाम से कंपनी है, ये ऑफिस है जिसके अंदर इनकम टैक्स के सभी अधिकारी मौजूद है, छापेमारी चल रही है लेकिन किसी को अंदर नहीं दिया जा रहा है। दूसरा मैं आपको बता दूं इनकम टैक्स की गाड़ियां अभी भी तीन तीन टीमें यहाँ पे मौजूद है और जो की गाड़ियां खड़ी है सुबह 6 बजे से खड़ी है, 8 घंटे वही हो चुके हैं, 8 घंटे से लगातार अब तक कार्रवाई चल रही है। जी धन्यवाद नाज़िम हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के इन दिनों सितारे गर्दिश में नजर आ रहे हैं। यूपी में जब से सीएम योगी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी है तब से आजम खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं एक बार फिर से आजम खान को बड़ा झटका दिख रहा है। आयकर विभाग ने पूर्व मंत्री आजम खान के ठिकानों पर छापेमारी की बड़ी कार्रवाई की है, लगातार छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि छापेमारी जौहर ट्रस्ट को लेकर हुई है। आयकर विभाग ने रामपुर के साथ साथ सहारनपुर और गाजियाबाद में भी छापेमारी की बड़ी कार्रवाई की है। आयकर विभाग को रेड में क्या मिला क्या नहीं इसकी जानकारी अभी भी साफ नहीं हो पाई है। बता दें कि रेड के समय सपा नेता आजम खान अपने रामपुर आवास पर मौजूद थे। आजम खान पर जौहर ट्रस्ट में से संबंधित जमीन कब्जा करने के मुकदमे अभी भी अदालत में चल रहे हैं। वे इस मामले में जेल भी जा चुके हैं जो कुछ समय पहले ही जमानत पर आए हैं। वहीं अब छापेमारी को लेकर सियासत भी तेज होती लगातार नजर आ रही है। लगातार विपक्ष सरकार को घेरने में लगा हुआ है। वहीं मेरठ से हमारे सहयोगी राजन हमसे जुड़ चुके हैं। राजन देखिए आयकर विभाग लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है, आजम खान के ठिकानों पर आईटी की छापेमारी हो रही है, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? देखिए जैसे दिन निकला तो आईटी विभाग की छापेमारी शुरू हो गई, प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में आईटी विभाग की छापेमारी हुई है। जो आजम खान के ट्रस्ट थी जोहर ट्रस्ट उसको गड़बड़ियों को लेकर आईटी विभाग की जगह जगह छापेमारी हो रही है। अगर मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ की बात करूँ तो मेरठ में थाना नौचंदी का एक इलाका लगता है भवानी नगर, जहाँ पर आजम खान का एक रिश्तेदार जो विद्युत विभाग से रिटायर अधिकारी है उसके यहाँ पर ये आईटी विभाग की टीम सुबह से डेरा डाल रखा है और आईटी का चाबुक चलना शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि गेट बंद करके अंदर से और दस्तावेजों की तलाशी की जा रही है। दस्तावेज जो जरूरी दस्तावेज है उन्हें खंगालने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो आईटी विभाग लगातार समीक्षा दे रहा है, लगातार छापेमारी कर रहा है, मेरठ में डेरा डाल रखा है और लगातार कॉम्प्लेक्स से लेकर जरूरी दस्तावेजों तक आईटी विभाग जो है लगातार चीजें जुटाने में जुटी हुई है, जानकारी जुटाने में, और उसके बाद में जो आगे की कार्रवाई है वो भी की जाएगी। राजन देखिए जानकारी सामने आ रही है कि आजम खान के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, तो ये कहां कहां छापेमारी हो रही है? देखिए उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में हो रही है, चाहे वो सीतापुर हो, रामपुर हो, लखनऊ हो, मेरठ हो, रामपुर, इन तमाम जिलों में ये छापेमारी हो रही है। तो वहीं मेरठ में ही आईटी विभाग की टीम चुपचाप मेरठ पहुंचती है सुबह और दरवाजा खटखटाती है और उसके बाद में अंदर दाखिल हो जाती है। उन जरूरी दस्तावेजों को खंगालने की कोशिश की जा रही है जो जौहर ट्रस्ट में एक बड़ी गड़बड़ी का नाम सामने आ रहा है। फिलहाल अभी मैं बात करूं तो मेरठ में लगभग 7 घंटे का करीब का समय हो गया है आईटी विभाग को, जो आईटी विभाग अंदर छापेमारी में जुटी हुई है और जरूरी दस्तावेज जुटाने का प्रयास कर रही है। भाई इस विभाग की छापेमारी से पूरे मेरठ ही नहीं पूरे प्रदेश भर में हड़कंप मच गया है, अफरा तफरी का माहौल भी दिखाई दे रहा है। तो वहीं कुछ लोग घर से फरार भी नजर आए हैं और घरों पर ताले भी लटके हुए मिले हैं। जी राजन देखिए 6 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लगातार आईटी की छापेमारी देखने को मिल रही है, छापेमारी और कब तक चल सकती है? देखिए आईटी विभाग का जब तक काम पूरा नहीं हो जाता ये छापेमारी चाहे भले ही 6 घंटे लग जाओ 6 घंटे और भी लग सकता है। आईटी विभाग एक अपने आप में मजबूत विभाग है और जो भी कार्रवाई करता है बिल्कुल ठोस दम पर करता है। तो वहीं मेरठ में भी ये 6 घंटे का समय हो गया है और जनपदों में भी समय बहुत ज्यादा हो गया है। ये आईटी विभाग की छापेमारी कब तक चल पाएगी? जब तक उनका समय पूरा नहीं हो जाता, जब तक उन्हें दस्तावेज और मामूल और तमाम जानकारियां वो जुटा नहीं पाते, जब तक आईटी विभाग की छापेमारी लगातार चलती रहेगी। देखिए राजन जिस तरह से आईटी की छापेमारी हो रही है उसको लेकर अब सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है, विपक्ष लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल देखिए विपक्षों का बीजेपी पर यही निशाना साधा है कि ये घोसी उपचुनाव की हार के बाद में ये कहीं ना कहीं उसका परिणाम है जो आईटी विभाग की लगातार छापेमारी हो रही है। फिलहाल जो लोग कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि शायद बीजेपी डर गई है और इसीलिए
जब तक बीजेपी डर जाती है आईटी विभाग की छापेमारी शुरू कर देती है। तो वही कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये छापेमारी विपक्षों पर ही क्यों होती है, बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, जो बड़े नेता हैं, गद्दावर नेता, उन पर क्यों नहीं होती। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जो विपक्षी लोग कर रहे हैं, जनता कर रही है, तो इन पर भी गौर फरमाने की जरूरत है। जी धन्यवाद राजन आपसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए आईटी विभाग की लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है, लगातार छापेमारी की ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। सपा नेता आजम खान के करीबियों के ठिकानों पर लगातार छापेमारी जैसी बड़ी कार्रवाई की जा रही है, एक्शन में आयकर विभाग नजर आ रहा है। और कांग्रेस नेता दीपक सिंह का आईटी के छापे को लेकर क्या कुछ बयान है, आइए आपको सुनाते हैं। देश में आजम खान साहब के यहाँ छापेमारी कोई पहली घटना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब डरती है तब तब छापेमारों से अपने काम करवाकर नेता और हेडलाइन मैनेज करने काम करती है। लेकिन ये जानते हैं आजम खान साहब डरने वाले नहीं हैं, टूटने वाले नहीं हैं, ये उन नेताओं की तरह नहीं है हेमंत बिश्व शर्मा, सुरेंद्र अधिकारी, नारायण राणे, अजीत पवार की तरह टूटकर भाजपा का हिस्सा बन जाएं। आज के छापेमारी मुख्यतः जो दिल्ली में शरद पवार जी के घर में इंडिया की बैठक हो रही है उससे ध्यान भटकाने के लिए है, हेडलाइन बनाने के लिए है। तो भाजपा को इस बात का ध्यान रहे कि अब हेडलाइन बनाने से, नेताओं के यहाँ छापे बनवाने से कोई काम नहीं चलने वाला है। 2024 में भाजपा जा रही है, इंडिया आ रही है, अब भाजपा की ये छापेमार दस्ता अब उनके कोई काम नहीं आने वाला। पिछले साल बसपा में शामिल हुए इमरान मसूद एक साल भी पूरा नहीं कर पाए और पार्टी से निकाल दिए गए। अब पश्चिमी यूपी में ही बसपा संगठन की अहम कड़ी रहे पुराने नेता धर्मवीर चौधरी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। निष्कासन का कारण पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होना बताया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि दोनों ही बसपा से अलग नया ठिकाना तलाशने के कारण ही इन दोनों को बाहर किया गया है। बसपा का गढ़ रहे पश्चिमी यूपी में ये दो हालिया मामले हैं जहां नेता खुद को असहज पा रहे थे। देखा जाए तो एक दशक के अंदर नेताओं की एक लंबी लिस्ट है जो पार्टी छोड़ गए हैं या निकाल दिए गए हैं। पुराने पार्टी छोड़ रहे हैं, जो आ रहे हैं वो टिक भी नहीं पा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि पश्चिम के अपने गढ़ में क्या बसपा के लिए लीडरशिप का संकट खड़ा हो रहा है। पश्चिमी यूपी में पुरानी लीडरशिप खत्म होना और नई तैयार ना होना बसपा के लिए बड़ा संकट बन सकता है। सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि बसपा का गढ़ रहा यहां लीडरशिप कमजोर होना बड़ी चिंता इसलिए भी है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में बसपा अपना खोया जनाधार तलाश रही है। बसपा प्रमुख अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में सब कुछ खुद के दम पर ही करना, तो इसके लिए क्षेत्रीय स्तर पर भी चेहरों की जरूरत होगी। दूसरी पार्टियों के पास पहले से कई चेहरे हैं। इसके साथ ही भाजपा पश्चिमी करड़ जीतने के लिए हर तरकीब अपना रही है, तो सपा भी आरएलडी के साथ मिलकर अपने जनाधार को मजबूत कर रही है। पुराने नेता नहीं रहेंगे तो नए कैसे टिकेंगे और फिर जनाधार करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। अब ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि आखिर बसपा की तरफ से क्या कुछ रणनीति बनाई जाती है कि बीएसपी के लिए लीडरशिप का ये बड़ा खतरा खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए बसपा में लगातार मायावती के करीबी नेता साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि लीडरशिप को लेकर, कि जो चेहरे सबसे बड़े माने जाते हैं वही साथ छोड़ते जा रहे हैं। मयूरी, अगर बात की जाए बसपा में सबसे बड़े चेहरे की, तो बसपा में मायावती के अलावा आज तक कोई सबसे बड़ा चेहरा नहीं रहा। जो कोई भी अपना कद लगातार उठाता गया, उसको बात की जाए तो पार्टी गाइडलाइन के विपरीत जाने की दिशा में, अनुशासनहीनता कार्रवाई की दिशा में पार्टी से निष्कासित भी किया गया। कई ऐसे नेता हैं जो लगातार बसपा में शामिल होने के बाद दूसरे पार्टियों के, दूसरे नेताओं के संपर्क में रहे। संपर्क में जिस प्रकार से अगर बात की जाए इमरान मसूद की, जो कांग्रेस से वापस आए थे, लगभग एक साल बसपा में रहे, उसके बाद वो चंद्रशेखर आज़ाद से अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाने लगे और इन नज़दीकियों का खामियाजा उनको पार्टी से बाहर होकर भुगतना पड़ा। इसके बाद बात की जाए तो धर्मवीर चौधरी, जो काफ़ी लंबे समय तक बसपा के साथ रहे, बात की जाए तो बसपा में उनकी अच्छी खासी बनती थी, उनको भी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अगर इसके अलावा अगर बात की जाए तो पिछले एक दशक में कई ऐसे कद्दावर नेता रहे हैं पूर्वांचल और पश्चिम के,
जिन्होंने बसपा बसपा को छोड़कर दूसरी पार्टियों को ज्वाइन किया है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बात करें, नकुल दुबे की बात करें, ब्रजेश पाठक की बात करें जो आज उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम है, हाल ही में इमरान मसूद धर्मी चौधरी की बात करें, यानी ये ऐसे लोग जो एक समय बसपा के लिए काम करते थे, जी जान से काम करते थे और उसके बाद बसपा छोड़ के अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में गए। कुछ ऐसे भी लोग थे जो बसपा को हाशिए पे ले गए लेकिन दूसरे दलों के साथ जाने के बाद वो गेम चेंजर बन गए। तो इन तमाम स्थितियों को देखना पड़ेगा और खासतौर पश्चिम की जो बात है, जो पश्चिम की लीडरशिप की बात है, वहाँ पे चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी से आते हैं, भीम आर्मी के संस्थापक है, उन्होंने बसपा को खासम का एक कड़ी टक्कर दी है, खासतौर की जाटा वोट में जो युवा दलित वोटर हैं, जो युवा दलित समाज है, वो चंद्रशेखर को उनके एग्रेशन के कारण, उनके एटीट्यूड के कारण काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहा है। और राजनीति में इस तरीके का युवा तेज तर्रार नेता जाटो समाज को, युवा दलित समाज को मिल रहा है। उनके पीछे तमाम ऐसे युवा दलित समाज से आते हैं जो चंद्रशेखर को अपना हीरो मान रहे हैं। तो ये बात भी बसपा को काफ़ी खल रही है। इसकी काट निकालने के लिए आकाश आनंद को बकायदा मायावती ने आगे किया, चार विधानसभा राज्यों में जो चुनाव होने हैं बसपा की तरफ उनका प्रभारी बनाया। लेकिन अब बात इस स्तर पर आ चुकी है कि चंद्रशेखर खुद बसपा के नेताओं से संपर्क स्थापित कर रहे हैं जो पश्चिम में अच्छा खासा जनाधार जाटा वोट बैंक में रहते हैं, उनसे लगातार संपर्क बना रहे हैं, अपनी विचारधारा से उन्हें जोड़ने का काम कर रहे हैं, अपने पाले में लाने का काम कर रहे हैं। इमरान मसूद से भी इसी सिलसिले में उनकी बातचीत हुई थी। ये बात जब पार्टी हाईकमान को पहुंची, मायावती तक पहुंची, उसके बाद इमरान मसूद को पार्टी से पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने के लिए निष्कासित कर दिया गया। इसके अलावा कई ऐसे नेता हैं जो बसपा के कद्दावर नेता माने जाते थे लेकिन पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने की वजह से मायावती ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो डूबती नैया भले ही बसपा हो लेकिन बात की जाए तो बसपा सुप्रीमो किसी भी प्रकार की ऐसी हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगी जो उनके खिलाफ जाए, जो पार्टी की लाइन के खिलाफ जाए, जो गाइडलाइन के खिलाफ जाए। विवेक, देखिए मायावती ने खुद के दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और कहीं ना कहीं इसके लिए क्षेत्रीय स्तर पर चेहरों की जरूरत होगी और चेहरों की कमी है बसपा में, तो कितनी बड़ी चुनौती होगी बसपा के लिए ये? देखिए चुनौती तो बहुत बड़ी है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, वर्तमान में अगर बात की जाए तो लोकसभा सीटें बसपा के पास 10 है। समाजवादी पार्टी के साथ 19 में गठबंधन किया था, उसका फायदा बसपा को मिला था, जहां 14 में कोई सीट नहीं बसपा जीत पाई थी, अब 10 सीटों पर विराजमान है। अब इस 10 सीटों को बसपा आगे ले जाती है या इनकी नैया डूबती है वो लोकसभा चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से बसपा लगातार अपनी बैठकें कर रही है राष्ट्रीय स्तर पर, काफ़ी अरसे बाद ये पहली बार हुआ जब मायावती दिल्ली प्रवास पर रही, काफ़ी दिनों तक दिल्ली प्रवास पर रहने पर पंजाब हरियाणा के कैडर की बैठक हुई, राष्ट्रीय स्तर पर बैठक हुई कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वहाँ पर वो पूरी परिपक्वता के साथ लड़ेगी और अकेले चुनाव लड़ेगी। यहाँ तक इंडिया अलायंस गठबंधन की तरफ से ही बसपा को न्योता मिल रहा था, मल्लिकार्जुन खड़गे इसकी कवायद कर रहे थे दलित वोटों को रिझाने के लिए, लेकिन मायावती ने साफ तौर पर मना कर दिया। दूसरी तरफ एनडीए के साथ जाने को भी उन्होंने मना कर दिया है, ना वो सत्ता दल के साथ जाएंगी ना वो विपक्ष के साथ जाएंगी। तो एकला चलो की राय पे इस समय बसपा सुप्रीमो मायावती है और तमाम बैठकें करने के बाद पार्टी पदाधिकारियों के साथ जो नेता पार्टी गतिविधि में लिप्त हैं उनको बाहर निकालकर पार्टी के बाकी नेताओं और पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारियों को दो टूक संदेश है, रहना है तो 100% बसपा के साथ रहें वरना आप बसपा से जा सकते हैं, आपकी विदाई तय है। तो यह संदेश मायावती काफ़ी पहले से देती आई हैं और एक स्ट्रिक्ट बात की जाए तो लीडर है अपने पार्टी की। और जिस तरह से पश्चिम की अगर बात की जाए, पूर्वांचल की अगर बात की जाए, घोसी में उपचुनाव हुए, लगभग 70,000 दलित वोटर्स थे, वहाँ सीधे तौर पर बसपा प्रमुख ने साफ कह दिया था कि जो उनके कोर वोटर हैं इस उपचुनाव से दूरी बना के रखे। बसपा कभी भी उपचुनाव नहीं लड़ती है, वो बात की बात है कि 2-3 उपचुनाव उन्होंने लड़ा है, लेकिन अगर बात की जाए तो जिस तरीके से अपने कोर वोटरों को शामिल करने के लिए, अपने पार्टी विचारधारा से जोड़ने के लगातार कवायद कर रही है, प्रदेश सदस्य से लेकर एक एक कार्यकर्ता जो है इस कवायद में जुटा हुआ है। इसके अलावा युवा कार्यकर्ताओं में भी तमाम जिम्मेदारियां सौंपी गई है, पश्चिम हो, मध्यांचल हो, पूर्वांचल हो,
हर एक क्षेत्र में बसपा के कार्यकर्ता जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष लेकर पार्टी के बड़े पदाधिकारी इस अभियान में, बसपा के इस अभियान में पार्टी के कोर वोटरों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए तो कोर वोटरों से हट के हर एक वर्ग को साधने की तैयारी बसपा कर रही है। हमने जिस प्रकार से देखा था कि निकाय चुनाव में बसपा ने सबसे ज़्यादा मुस्लिम प्रत्याशी दिए थे, तो मुस्लिम, दलित, ओबीसी कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो इस लोकसभा चुनाव में बसपा छोड़ने की मूड में दिखाई दे रही हो। तो विवेक, जिस तरह लगातार नेता साथ छोड़ रहे हैं, तो अब आगे की क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी पश्चिम को लेकर? देखिए, अगर बात की जाए तो पश्चिम को लेकर रणनीति बात लड़ती जो है बहुजन समाज पार्टी लगातार उस पर फोकस कर रही है कि एक बेहतर रणनीति बनाया जाए, क्योंकि पश्चिम में इनको चंद्रशेखर से भी टैकल करना है, पश्चिम में इनको समाजवादी पार्टी कांग्रेस रालोद से भी टैकल करना है, क्योंकि इंडिया अलायंस को यह मना कर चुके हैं। अगर बात की जाए तो रालोद और बसपा में कुछ बातचीत चल रही है सूत्रों के अनुसार, और ये बातचीत ये कि रालोद अब बसपा को अप्रोच करेगा, खासतौर पर पश्चिम के लिए, पश्चिम के लिए वो बसपा को अप्रोच करेगा, क्योंकि जाटों वोटों में अगर बात की जाए तो अभी भी मायावती सबसे बड़ा चेहरा है। दलित समाज की अगर बात करें तो मायावती इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा चेहरा है, और इसके लिए बिना उनके कोई भी गठबंधन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सक्रिय नहीं हो पाएगा, यह हर राजनीतिक दल जानती है। अभी भी लोकसभा चुनाव में 8 महीने का समय शेष है, रालोद के साथ इनकी बातचीत हो पाती है नहीं हो पाती है ये समय के अनुसार पता चलेगा, लेकिन जिस हिसाब से बसपा प्रमुख लगातार बैठकें कर रही हैं और अपने बयानों से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ही तंज कस रही हैं, दोनों पर ही आरोप लगा रही हैं, उसे देखने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश में बसपा की स्थिति अब काफ़ी रोचक हो चुकी है। बसपा को अगर अपने पुराने ढर्रे में आना होगा तो किसी न किसी राजनीतिक दल का सहयोग उसको जरूरी है, वरना हर एक सीट पर बसपा सपा या भाजपा के वोट काटते हुए नजर आएगी। इसके पहले भी ऐसी कई बार हुआ है कि कई सीटों पर बसपा के उतरने के बाद वोट कटे हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी काफ़ी ज़्यादा आरोप बसपा पे लगा चुकी है कि ये बीजेपी के लिए काम करते हैं, ये बीजेपी के प्लान बी के हिसाब से काम करते हैं। तो जहाँ बसपा को अपने लोकसभा सीटें भी जीतनी है, वोट प्रतिशत भी करना है, अपना वजूद भी बनाना है, अपनी राजनीतिक हैसियत भी बचाए रखनी है, तो वहीं इस आरोप से भी उन्हें छुटकारा पाना है कि वो भाजपा के लिए काम करते हैं, भाजपा के बी प्लान के हिसाब से काम करते हैं। मयूरी जी, धन्यवाद विवेक हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, बसपा अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, वहीं अब कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि लगातार बसपा का साथ छोड़ते हुए नेता नजर आ रहे हैं और जमीनी स्तर पर नेताओं की जरूरत पड़ेगी। अब आगे देखने वाली बात होगी कि बसपा इसको लेकर क्या कुछ रणनीति बनाती है, क्या कुछ तैयारी करती है। फिलहाल खबर दोपहर में अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।